नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड अनरॉक्सर में स्वागत है। और हम लोग जो है KYC देख रहे हैं, नो योर कंट्री। तो नो योर कंट्री में हम लोग जो है भारत की जनगणना कल पढ़े थे, आज उसी के आगे हमारा अगला टॉपिक जो है वो भारत का बांध है। तो देखिए, भारत में जो बांध है, बांध का काम क्या होता है, ठीक, बांध हम क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले नदियों, चूँकि बांध हम नदी पर बनाते हैं, तो नदियों का क्या काम है, नदी के जल का हम उपयोग कहां कहां करते हैं। तो नदियों के जल का प्रयोग, तो नदियों के जल का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो भाई, नदियों के जल का प्रयोग हम सिंचाई के लिए करते हैं, नहर बनाकर। भाई, जो नहर बनाते हैं हम, वो नदी से ही तो किसी ना किसी नदी से निकलती है। दूसरा चीज, बिजली उत्पन्न करते हैं इससे, और बिजली उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, परियोजनाएं चलाते हैं, जल विद्युत परियोजना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पानी का भंडारण करते हैं, पानी का भंडारण करते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। तो ये सब सारा काम किससे होता है, नदियों के जल से हम इतनी चीजें करते हैं। और याद रखिएगा कि नदियों को दो प्रकार की चीज बनाई जाती है नदियों पर, एक तो बांध बनाया जाता है और एक बैराज बनाया जाता है। नदियों पर दो चीज बनाया जाता है, बांध की तरह बैराज भी होता है। बैराज का काम ये है कि जो नदी का बहाव है उसको क्या कर दे, कम कर दे। क्या करना है, नदी के बहाव को कम करना किसका काम है, नदी के बहाव को कम करना कौन कम करेगा, बैराज कम करेगा। या फिर नहर का निर्माण करना, नहर का निर्माण, ये दोनों काम जो है किससे होता है, बैराज से होता है। वहीं अगर हम बांध की बात करें तो बांध से बहुत सारे काम होते हैं। जैसे बांध का पहला काम क्या है कि बांध बना करके हम जलाशय का निर्माण करते हैं। किसका, जलाशय का निर्माण करते हैं, पीने के पानी का प्रयोग करते हैं, ठीक। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करते हैं, हम बांध बना करके जल विद्युत परियोजना चलाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम किससे करते हैं, बांध से करते हैं। अब देखिए, जो हमारी नदी परियोजनाएं हैं वो क्या हैं, उस पर चर्चा करते हैं हम। जो हमारी परियोजनाएं हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब ऐसा योजना, ऐसा कार्य जिसको किसी एक उद्देश्य से नहीं, एक से अधिक उद्देश्य से किया जा रहा हो। तो देखिए, अगर हम वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड, विश्व की पहली परियोजना जो थी वो आपकी टेनसी नदी घाटी परियोजना थी। टेनसी नदी घाटी परियोजना, टेनसी नदी घाटी परियोजना जो थी ये कहां पर थी, ये आपकी USA, ठीक, USA में आपकी टेनसी नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी, ठीक। उसके बाद देखिए, अगर हम यही भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी संघ बनाया गया, और किसने बनाया, पंडित नेहरू ने। इसे क्या कहा, पंडित नेहरू ने जो हमारी परियोजनाएं थी भारत में, अगर बात की जाए कि भारत में नदी घाटी परियोजना का जनक किसे माना जाता है, तो नेहरू जी को माना जाता है। और नेहरू जी ने इसे ही कहा था मॉडर्न
इंडिया का मंदिर, यानी कि टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर। तो क्वेश्चन अगर बने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा, तो किसे कहा? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कहा। तो चलिए आगे, जैसा कि आपका नाम थंबनेल में लिखा हुआ है कि बांध, तो बांध पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद हम सीक्यू लगाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पूरा वीडियो देखिए, देखिए कि आपको क्या जो मैं एमसीक्यू इसके बाद करवाऊंगा, क्या आप उसमें 10 में से 8 कर पाते हैं या नहीं। अगर 10 में से 8 कर पाते हैं तो अच्छा, और 10 में से 10 कर लेते हैं तो जान लीजिए बेस्ट है। आप कमेंट और लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी किया कीजिए, ठीक। तो चलिए बांध के विषय में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला बांध हम लेते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है हमारा उत्तराखंड में, टिहरी बांध हमारा कहां पे है? उत्तराखंड में है। और याद रखिएगा इसका जो निर्माण हुआ था 1978 से 2006 के बीच में हुआ था, 1978 से 2006 के बीच में इसका निर्माण हुआ था टिहरी बांध का, जो कि कहां है? उत्तराखंड में है। और अगर बात किया जाए कि किस नदी पर है तो भागीरथी, भागीरथी व भीलांगना नदी। तो भागीरथी व भीलांगना नदी पर जो है ये बनाया गया है। और इसका अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो भारत का, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा बांध? टिहरी बांध, जो कि 260 मीटर ऊंचा है, ठीक, याद रखिएगा। दूसरा ही बात करें तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है और हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। और अगर हम इसकी बात करें ये 26 किलोमीटर लंबा है, ये ऊंचा है, ठीक। तो भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हमारा वो क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध हमारा है हीराकुंड बांध। फिर देखिए आगे है अगला जो है भाखड़ा पर है। कहां पे है? सतलज नदी पर है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। और किस पे है? सतलज नदी पर। और अगर हम बात करें तो भारत का जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, याद रखिएगा दोनों में अंतर है, एक तो सबसे ऊंचा बांध जो कि आपने टिहरी बांध पढ़ा, और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर पूछा जाएगा तो भाखड़ा नांगल बांध, और अगर जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका टिहरी बांध। इसी के बाद चौथा देखें तो सरदार सरोवर, ठीक, सरदार सरोवर बांध की अगर बात की जाए तो सरदार सरोवर बांध हमारा गुजरात में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पे है? गुजरात में है। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ठीक। देखिए हुआ क्या,
इस पे जो है इसकी जो नींव रखी गई थी वो नेहरू जी ने रखी थी और इसको पूरा करवाया था मोदी जी ने। इसकी नींव रखी गई किसने? नेहरू जी ने रखी थी और इसको पूरा किसने किया? इसको पूरा किया मोदी जी ने। ठीक, इसको पूरा किसने किया? मोदी जी ने पूरा किया। और कब पूरा किया इसको? जो है 2017 में इसको पूरा किया। कब पूरा किया इसको? 2017। ठीक, तो ये चीज है। देखिए आप जो है इसके बाद हम लोग जो है कुछ एमसीक्यू पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू पर अगर डिस्कस करें तो आपके स्क्रीन पर एमसीक्यू दिख रही होगी। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखा है कि मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला ताप्ती नदी, दूसरा कृष्णा नदी, तीसरा नर्मदा नदी, चौथा गोदावरी नदी। ठीक, जल्दी से इसका ऑप्शन दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, पहले का ऑप्शन हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध का निर्माण भारत के किस राज्य में रिहंद नदी पर किया गया है? देखिए रिहंद बांध का जो निर्माण है वो रिहंद नदी पर तो किया गया है, लेकिन रिहंद नदी जो है वो कहां पर है? तो दूसरे क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर दो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर तीन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर चार है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर चार होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो किस नदी पर है? अभी हमने डिस्कस किया था कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है वो कहां पे है? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में। तो ऑप्शन आपका पहला है क्या? महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, गुजरात। चौथा क्वेश्चन है कि गुजरात में स्थित उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक, पहला ऑप्शन ताप्ती नदी, दूसरा साबरमती, तीसरा नर्मदा नदी, चौथा माही नदी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला, ताप्ती नदी। ठीक, फिर वही अगला क्वेश्चन अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है। ठीक, जो कि जो है कहां बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर चार कृष्णा नदी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर छह में है कि हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश का पोंग बांध है, अगर इसको जो है आप जानते हो तो महासागर प्रताप सागर है, महाराणा प्रताप सागर एक है, उसी को जो है पोंग बांध झील कहते हैं। क्या कहते हैं? पोंग बांध झील कहते हैं। किसे? महाराणा प्रताप सागर झील को। ठीक, तो उसी को ही ब्यास बांध भी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यास। फिर वही सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सातवां क्वेश्चन है काली नदी पर सूपा बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा कर्नाटक। फिर वही आठवां देखें तो आठवें में है उत्तराखंड का टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध देखिए ऑप्शन में है भागीरथी नदी, तो भागीरथी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, भागीरथी। वहीं हम क्वेश्चन नंबर नौ देखें तो क्वेश्चन नंबर नौ हमारा है कि राम गंगा नदी पर बना राम गंगा बांध
किस राज्य में है, तो चूंकि राम गंगा गंगा नदी खुद उत्तराखंड में बहती है तो इसलिए बांध जो बनेगा वो भी कहां बनेगा, उत्तराखंड में बनेगा। तो 9 का ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है केरल और 4 है उत्तराखंड। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्या, उत्तराखंड। ठीक, फिर वही 10वां क्वेश्चन देखें। तो 10वां क्वेश्चन है कि केरल का कुलामाऊ बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो केरल का मतलब कुलामाऊ बांध जो है वो हमारा पेरियार नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। किस नदी पर है, पेरियार नदी पर। ठीक, तो 10 के 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे बांधने से जो है। इस 10 में आपको एकाध क्वेश्चन अगर बनता है, इस 10 में से एकाध क्वेश्चन रहेगा या फिर जो मैंने अभी डिस्कस किया बांध कर, तो उसी में से आपको मिलेगा। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। इतना शेयर कीजिए कि आपके मित्र, दोस्त, भाई, बहन जितने भी हैं सबको जो है ये चीज पता चलनी चाहिए कि एक चैनल नया बना हुआ है जो आपके लिए तत्पर है और आपको अच्छी अच्छी क्लासेस दे रहा है। ठीक, तो धन्यवाद।